जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुरनाम सिंह चडोनी और राकेश टिकैत के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज, गंभीर लगे आरोप, आखिर क्या कारण है? कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडोनी व अन्य कई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भिवानी जिले के सदर थाना में मामला दर्ज हुआ है। भिवानी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी ने शिरकत की। इस महापंचायत के कारण पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है कि दरअसल पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडोनी लगातार अलग अलग जगहों पर पंचायतें करते आ रहे हैं। वीरवार को भी भिवानी के प्रेमनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में राजेवाल व युद्धवीर सहित बहुत से किसान नेता और प्रसिद्ध हरियाणवी गायक अजय हुड्डा भी आए। भिवानी के प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अधर में लटकने और उसे कहीं अन्य शिफ्ट किए जाने की चर्चाओं के कारण महापंचायत में लोग इकट्ठा हुए। आसपास के लोग गांव वाले नहीं चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहीं और किया जाए। गौरतलब है कि भिवानी और अन्य कई जिलों में धारा 144 है, इसलिए प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडोनी और अन्य कई के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया। इसमें IPC की धारा 188 भी लगाई गई। प्रशासन द्वारा जिन लोगों पर केस दर्ज किया है उनमें किसान नेता राकेश टिकैत, कप्तान कमर सिंह, सुरेश, राजेश, संदीप, सोनवीर, रवि आदि के नाम शामिल है। मुकदमा नंबर 261 में 7 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर सदर थाने में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस वीडियोग्राफी की मदद से अन्य लोगों की भी पहचान करने में जुटी हुई है। बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।